बीजेपी विधायक ईश्वर साहू को कमजोर प्रत्याशी माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ के साजन निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार के कांग्रेस विधायक और कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे को हरा दिया। बीरानपुर गांव के रहने वाले साहू, जो नागपुर में रिक्शा चलाते थे, ने इस साल 8 अप्रैल को गांव में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान अपने बड़े बेटे को खो दिया था। नहीं, जीत की भरपाई तो नहीं हुई है, ये जीत हमारी साझा विधानसभा क्षेत्र की जनता की जीत है। अब जीत उनकी जीत तो मेरी जीत है, लेकिन जो मेरी नुकसान हुआ है, ये जितना मेरे को ये जीत में खुशी नहीं है, उतना मेरे को दुख, उतना गम मेरे लड़के खो जाने की गम है। 2 चारपाई और जरूरी सामान के साथ 2 कमरे के छप्पर वाले घर में रहने वाले साहू को मौजूदा छत्तीसगढ़ विधानसभा में सबसे गरीब विधायक के रूप में घोषित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में सबसे गरीब प्रत्याशी हमारे साझा विधानसभा के ईश्वर भैयाला जो टिकट दी से, आज बता दे हमारे जनता है, पूरा भाई मन सब खड़े है, बता दे कि एक गरीब आदमी भी है विधायक बनते और समय के साथ साथ मंत्री भी बनी हमारे विधायक हमारे ईश्वर भैया है। हम इतना जीत के खुशी मनावा था कि इतना भीड़ है, कल के भी इतना उत्साह इस पूरा कार्यकर्ता मन। उनके परिवार ने एक आम मजदूर को विधायक बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। वो तो विधायक बन गए, लेकिन अब जनता छ बताई का बनाना कानी बनाना है तेनला, और जनता छ हम लागे बढ़ई से ऊपर बार बार धन्यवाद करत हूँ, और ये मोदी जी के धन्यवाद करत हूँ तो हमला गोदी में ले लीस। मंगलवार को रायपुर से अपने गांव पहुँचे साहू का स्वागत करने के लिए आसपास के इलाकों से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों को उम्मीद है कि वो क्षेत्र में कई सालों से रुके पड़े विकास कार्यों को पूरा करेंगे। ईश्वर भैया हमर कहा थे कि जितने भी अभी प्रधानमंत्री आवास रोके है 5 साल बनावे नहीं करी, ओला पहली काम करूं कहा थे ईश्वर भैया है आवास के ला। हाँ, और जनता इतना खुश है तो मैं उखर है आनंद के उखर सिमल कह नहीं सका। साहू ने अपने गांव के लोगों को भरोसा दिलाया कि वो अपने 2 कमरे के मौजूदा घर को छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं और हमेशा उनके बीच रहेंगे और विकास करेंगे।